मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज काम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, नामा से मैं की कहानी में सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है और ज़ायद अब किस पर यकीन करेगा, आयरा पर या फिर रेहान पर, जो काफ़ी दिलचस्प होगा। मुझे अच्छे से अंदाजा है कि तुम किस हद तक जा सकते हो। अगर कोई तुम पर उंगली उठाएगा, दैट मींस ही इज पॉइंटिंग एट मी। नाजिन ड्रामा से मैं के आइंदा एपिसोड में आप देखेंगे जैद और मुबशरा घर वापस आ जाएंगे, जिसके बाद आयरा जैद को रेहान की हरकत के बारे में बता देगी। वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए, अभी तुम्हें क्या करना है। मुबशरा रेहान से पूछती है कि ये तुमने क्या किया, लेकिन रेहान तो साफ मुकर जाता है, लेकिन मुबशरा उस पर यकीन नहीं करती और उसे कहती है कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम किस हद तक गिर सकते हो। नाजिन, उधर जाफ़र भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि आयरा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया है। पहले उसने मेरी बेटी के हक पर डाका डाला और अब तुम पर इल्ज़ाम, जिसे मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जैद जब आयरा को तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, तो आसिफ जैद से कहता है कि या तो तुम अपनी बहन का साथ दो या फिर इस लड़की के साथ इस घर से चले जाओ। तो नाजिन, आपके ख्याल में अब जैद क्या करेगा, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।